अवैध रूप से बोरिंग कर रही मशीन को पुलिस ने पकड़ लिया और जब्त कर लिया। आपको बता दें कि मऊगंज थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बोर कर रही एक बोरिंग मशीन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बता दें कि मशीन मऊगंज क्षेत्र में कई स्थानों पर बोरिंग में लगी हुई थी, साथ ही अन्य कई मशीनें अवैध रूप से बोरिंग का कार्य कर रही हैं। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि मऊगंज वार्ड क्रमांक 2 में चलवाई जा रही बोरिंग मशीन अवैध रूप से बोरिंग कर रही है। खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर जाकर मशीन को जब्त कर लिया। यहाँ बता दें कि तेजी से गिरते जलस्तर और सूखे से बचने के लिए जिला कलेक्टर ने नलकूप उत्खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। केवल अनुमति लेकर ही नलकूप खनन किया जा सकता है। मशीन को जब्त करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। थाना प्रभारी विकास सिंह गौर ने कहा कि जहां भी अवैध रूप से बोरिंग की सूचना मिलती है वहां कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। बीती रात मऊगंज नगर में अवैध नलकूप उत्खनन करते पाए जाने पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई करते हुए बोरिंग मशीन वाहन को जब्त कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि नगर के ही एक बोरिंग कार्य में लगे व्यवसायी का उक्त पकड़ी गई बोरिंग डील पूर्व में निरस्त हो गई थी, जिससे वह व्यापारी नाखुश हुआ और इस तरह से हो रहे बोर की सूचना मऊगंज पुलिस को दे दी।